गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? गुड इवनिंग एवरीवन। बस अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर में लिंक शेयर कर दूं मैं सबके साथ। रोशन जी, इज दैट योर फर्स्ट क्लास? एक्चुअली शुरू के कुछ मिनट समय बाकी स्टूडेंट्स के साथ क्लास को शेयर करने में लग जाते हैं, अराउंड 5 मिनट्स। तो इस वजह से उतनी देर क्लास म्यूट पे रहती है, ठीक है? तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। 100+ हमारे पास ग्रुप्स हैं, तो इस वजह से वहाँ शेयर करते करते इट टेक्स अराउंड 5 मिनट्स, ठीक है? तो ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं। चलिए रोशन जी, पहली गुड है, इवनिंग आपकी नहीं होने एवरीवन। देंगे हम, ऑडियो ठीक वीडियो है? क्लियर है आप लोगों तक? वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट पीएससी ओके, तो फैमिली। तो स्टार्ट करते हैं आज सर प्रांग करें। जय आज हिंद आज के कंटेंट प्रांग। को। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अरुणाचल जी के पढ़ना स्टार्ट किया था। इफ यू कुड रिमेम्बर, हमने कुछ खास खास फैक्चुअल चीजें पढ़ी थी। फॉर थैंक यू एग्जाम्पल, मास्टर अगर मैं जी। आपसे पूछूं व्हाट बस इसी तरह से आप वाज क्लासेस द एरिया, कंटिन्यू रखिए, एप्रोक्सीमेट बेसिक से एरिया आप लेकर बताइए, एडवांस तक आपको अरुणाचल तक पहुंचा दिया कितना पढ़ा जाएगा। था हम फिर लोगों ने लास्ट क्लास में? अलग से आपको कुछ और प्रिपेयर करने की एप्रोक्सीमेट एरिया जरूरत बताइए नहीं पड़ेगी। अरुणाचल का लास्ट क्लास में कितना एरिया ओके हमने सर। पढ़ा था? देखिए अभी फॉरेस्टर और हेड कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल तो आगे आएगा। अभी इन रिसेंटली रिसेंट में आपका फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला है, ठीक है? फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आई थिंक अभी तो सुनाई दे रहा होगा। डबल आ रही है, लेट मी चेक। फॉरेस्टर और फॉरेस्ट का वांगतुम जी एक बार चेक करिए, इधर से तो आवाज क्लियर है, ठीक है? तो अभी देखिए, अभी कैसी आ रही है? अभी क्लियर है? थोड़ा सा अभी क्या है ना, अभी एक्चुअली शिफ्ट किया है तो स्टूडियो में हो सकता है अभी चीज़ें कम है, तो इस वजह से थोड़ा सा इको लगा हो, अदरवाइज यहाँ से तो ठीक है। चलिए ठीक है, इतना साउंड में हो जाएगा, ठीक है? इतना है, बियरेबल है ये साउंड, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके सर, चलो जी। एरिया मैंने पूछा था, एरिया बताइए अरुणाचल का। अरे लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट्स ये सब आगे सेंसस में देख लेंगे, ठीक है? सेंसस के हिसाब से आगे पूरी सेंसस की लिस्ट है, तो वो सब आप आगे पढ़ लेंगे, ठीक है? हाँ जी, एरिया बताइए। हाँ, अराउंड 83,000 यूनिट भी याद रखना, ऐसा नहीं कि 83,000 क्या स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है? 83,000 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, और पॉपुलेशन क्या ब्लैंक दिख रहा है पानी जी? एक बार फिर से लॉगिन करिए। पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 एक्सपेक्ट, मतलब अराउंड कितनी ये पॉपुलेशन थी एज पर सेंसस 2011? हाँ जी, कुछ अराउंड 13 लाख के करीब पॉपुलेशन थी, ठीक है? तो 13 लाख के करीब अराउंड वहां पर आपकी पॉपुलेशन थी, ठीक है? चलिए तो ये सब कुछ बेसिक डिटेल्स कल हम लोग पढ़ के आए थे।
कुछ लेक्स के नाम पढ़े थे, इफ यू कुड रिमेम्बर, गंगा लेक पढ़ा था पापम पारे में, मेहाउ लेक पढ़ा था लोअर दिबांग वैली में, सैली लेक पढ़ा था लोअर दिबांग वैली में, ठीक है। तवांग के ये चार लेक इंपॉर्टेंट है, नूरा नंग लेक, संगेस्टा लेक, बोरी चीन लेक और बंगा चांग लेक, ठीक है। तो ये आपके लेक्स कहाँ के इंपॉर्टेंट है, तवांग डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। एक माउंटेन पास पढ़ा था हमने कल लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो, एक माउंटेन पास पढ़ा था जो ट्राई जंक्शन पे है विद इंडिया, इंडिया की तरफ से अरुणाचल और इधर चाइना और इधर म्यांमार, ठीक है। तो अरुणाचल, चाइना और म्यांमार के साथ वो ट्राई जंक्शन पे है, तो उस पास का क्या नाम था? हाँ जी सर, क्या था उस पास का नाम? बिल्कुल सर, वो दीफू पास था। चलो जी, तो वाटरफॉल्स भी कल देख लिए थे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो गई थी, नेशनल पार्क के नाम भी हो गए, तो दो दो आपके नेशनल पार्क हैं। और उसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व की भी हमने बात करी थी, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अरुणाचल में जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, क्या नाम है, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहा है? दिबांग वैली कवर कर रहा है, अपर सियांग कवर कर रहा है और वेस्ट सियांग कवर कर रहा है, ठीक है। मिश्मी ताकेन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एक बार एग्जाम में। रेड पांडा न्यूज में रहता है, रेड पांडा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मस्क डियर भी पूछ लिया जाता है, ये कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो जनरली ज्यादा न्यूज में रहती हैं। चलो जी, उसके बाद कुछ और स्पेसिफिक हमने ये सब बातें करी थी, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हमने अरुणाचल की पढ़ी थी, ठीक है। तो कल ये सब पढ़ के आ चुके हैं। एक फिल्म पड़ी थी शेरदुकपेन लैंग्वेज में, जिसने पहला नेशनल अवार्ड जीता था इन लोकल लैंग्वेज। अच्छा, एक टेम्पल है, जैसे आप हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की बात कर रहे थे तो वो आगे भी आ जाएंगे, तो उनमें जैसे एक टेम्पल है तमरेश्वरी टेम्पल, ठीक है। तो ये पूछ लेता है, तमरेश्वरी टेम्पल आपको पता होना चाहिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, लोहित डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा जो आपके फैक्ट्स हैं, आपके जितने भी ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स हैं उनको एक जगह लाके क्लब कर दिया जाए, ठीक है, ताकि जो भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं चीजें वो एक जगह इकट्ठी हो जाए। तो तामरेश्वरी टेम्पल आपको कहाँ मिलेगा? लोहित डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। चलो जी सर, इसके बाद ये भी हमने पढ़ा था कि जब अरुणाचल बना था तो इट वॉज द 24th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, और अमेंडमेंट कौन सा था, 55th अमेंडमेंट ऑफ 1986, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड किस अमेंडमेंट से मिला था? 55th अमेंडमेंट ऑफ 1986, इज दैट क्लियर? 55th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986। फिर बाद में 1993 में आपका पंचायत बनती है, ठीक है, जो आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को ऑर्गेनाइज करने का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देते हैं। आपने पॉलिटी में ये बात पढ़ी होगी, ठीक है। तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशनली कब स्टैब्लिश हुई थी? 73rd और 74th अमेंडमेंट से। लेकिन जो ट्राइबल एरियाज थे वहां पर ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं थी, इसीलिए अरुणाचल में भी उस टाइम एप्लीकेबल नहीं थी। तो वहां के लिए एक नया एक्ट बनाया गया, पीसा एक्ट, ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया इज 1997, पीसा कह लो या फिर पंचायत एक्ट 1997। तो उसके तहत अरुणाचल में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बना, जो वहां पे क्या करवाता है, पंचायत इलेक्शन करवाता है, ठीक है, पंचायत इलेक्शन होते हैं। इनर लाइन परमिट, इनर लाइन रेगुलेशन एक्ट से आया था बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। ओके, फिर अहोम किंगडम से भी सवाल पूछ लेते हैं। अहोम किंगडम से भी याद रखना कि अहोम किंगडम के फाउंडर कौन थे, तो अहोम किंगडम के फाउंडर थे सुकापा, ठीक है। तो अहोम किंगडम के फाउंडर का नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सुकापा थे। उसके बाद एक फर्स्ट ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन, वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो आपका ईटानगर में लोकेटेड है, द फर्स्ट ऑल पुलिस वीमेन स्टेशन, द फर्स्ट ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन ईटानगर, ठीक है। तो
इसके बाद कुछ और भी फैक्ट्स हैं, जैसे पहला न्यूज जनरल कौन सा था अरुणाचल में, तो आसाम बंधु, अरुणाचल में सॉरी, पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो पहला न्यूज जनरल बना था वो कौन सा था, आसाम बंधु। ठीक है, पहले अरुणाचल के पर्सन जिन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था वो था वाइड वो थे वाइडी थोंगजी। ठीक है, वाइडी थोंगजी वाज द फर्स्ट अरुणाचल पर्सन टू रिसीव साहित्य एकेडमी अवार्ड। ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं इसीलिए आपके यहाँ पर मेंशन है, जैसे दलाई लामा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, दलाई लामा पे क्वेश्चन आ जाता है कि दलाई लामा ने एंटर किया था बमला पास से। ठीक है, बमला पास से जब तिब्बत से वो एस्केप कर रहे थे। ठीक है, 1962 में हमारा चाइना से वॉर हुआ था, रीजन लगभग यही था कि आप इंडिया ने रेफ्यूजी दिया था, रेफ्यूज दिया था किसको, दलाई लामा को। ठीक है, दलाई लामा को हमने पनाह दी थी, इस वजह से 1962 में ये वन ऑफ द रीजन था कि चाइना ने हम पे अटैक किया। ठीक है, तो सवाल आता है कि जब तिब्बत से दलाई लामा इंडिया आ रहे थे तो किस पास के थ्रू आ रहे थे, तो याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था, बम सेला। ठीक है, बमला बॉमडिला और सेला पास, सेला आपका वेस्ट कामेंग में था, बमला बॉमडिला ये आपको मिलेगा तवांग में। ठीक है, ये मिलेगा तवांग में, तो बमला पास आपका 1959 में, वहां से आपके जो दलाई लामा है वो एस्केप करके आए थे। एशिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑर्किडेरियम कहाँ लोकेटेड है, तेपी में लोकेटेड है। दूरदर्शन केंद्र वाज एस्टैब्लिश इन अरुणाचल प्रदेश का 1982 में। अर्थक्वेक के जोन होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्या कहते हैं सीबीआरटी, जितना जोन नंबर ज्यादा है उतना ही वहां पे सीवियरिटी है, उतना ही वहां पे अर्थक्वेक का खतरा ज्यादा है। ठीक है, तो एंटायर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश लाइज इन सीस्मिक हैजार्ड अंडर जोन 5। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश किस जोन में आता है अर्थक्वेक के, तो वो आता है सर जोन 5 में। इज दैट क्लियर। दूरदर्शन कब बना, 1982। फर्स्ट अरुणाचली टू रिसीव थोंगजी अवार्ड, टू रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड, वाईडी थोंगजी। फर्स्ट न्यू जनरल ऑफ एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आसाम बंधु, योबिन ट्राइब। योबिन ट्राइब कहाँ है, योबिन ट्राइब आर इनहेबिटेंट्स ऑफ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ तिराप डिस्ट्रिक्ट। मार्विन जी ठीक है, इसको मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा इसमें आपको कॉपरेशन चाहिए, कुछ कुछ मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, आई विल करेक्ट इट। चेक करके फिर मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। ओके चलो जी, आगे बढ़ते हैं फिर। इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है सर, डोला सादिया ब्रिज। ठीक है, उसको भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं। तो ये आपका जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, इस तरह से आप देख सकते हो, तो ये आसाम वाला एरिया है, ये अरुणाचल वाला एरिया, तो इनको ये इधर से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, किस रिवर पे बना, ये क्वेश्चन कई बार पूछे थे, ये ब्रिज धूला साधिया ब्रिज किस रिवर पे मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा लोहित नदी पे। ठीक है, तो अरुणाचल में एक वो, हाँ अरुणाचल में एक जगह है साधिया और आसाम में एक जगह है धूला, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है धूला, तो इन दोनों को एक्चुअल में ही कनेक्ट कर देता है ये ब्रिज, धूला साधिया ब्रिज भी कह देते हैं। ठीक है, एक देखो यहाँ पे नेशनल पार्क भी, डिब्रू-साइखोवा नेशनल पार्क। ठीक है, ये रहा आपका पासीघाट, ये रहा तेजू, ये रही लोहित नदी। तो धौला सादिया ब्रिज किस नदी पे है, लोहित रिवर पे। ठीक है, इसको बीम ब्रिज भी कहते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट करता है आसाम और अरुणाचल में। वैसे अगर आप इसमें ट्रैवल करते तो पहले बहुत ज्यादा टाइम लगता था, तो ट्रैवलिंग डिस्टेंस से यहाँ पर काफी कम कर दी। ठीक है, तो 2017 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। चलिए सर, तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। अच्छा बताइए, फर्स्ट साहित्य एकेडमी अवार्ड किसे मिला था, अरुणाचल में फर्स्ट
साहित्य एकेडमी अवार्ड किसे मिला था? जस्ट अभी पढ़ के आए। हाँ जी, फर्स्ट साहित्य एकेडमी अवार्ड अरुणाचल में किसे मिला था? सब लोग आंसर करिए। जस्ट अभी पढ़ा है, जस्ट अभी पढ़ा है, देखें कितने लोग हैं एक्टिव। हाँ जी सर, कितने लोग कर रहे हैं आंसर? बहुत बढ़िया, वाइडी थोंग जी जी बहुत बढ़िया। ऑल राइट सर, अच्छा हाईएस्ट डैम कौन सा था? अरुणाचल का हाईएस्ट डैम कौन सा था? अरुणाचल का आपने हाईएस्ट डैम कौन सा पढ़ा? हाँ जी सर, जल्दी आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, दिबांग डैम। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट रूल कब कब लगाए? तो प्रेसिडेंट रूल आपका 2 बार मेनली लगा है। एक बार तो 76 डेज के लिए लगा था, 1979 से 1980, नवंबर 3, 1979 से लेकर जनवरी 18, 1980। तो उस टाइम आपका प्रेसिडेंट कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी, NSRB कहते हैं, ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट जो लास्ट आपका जो प्रेसिडेंट रूल लगा है वो 2016 में लगा था। तो 2016 वाला वाज जस्ट अराउंड 26 डेज। उस टाइम आपका प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी। उसके बाद बात करते हैं कुछ ट्रेडिशनल म्यूजिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश की। तो 3 टाइप के आपको जनरली वहाँ पे म्यूजिक्स मिलेंगे। एक है जा जिंजा, एक है बरही और एक है नियोगा। जा जिंजा क्या है? ये जनरली आपको वेडिंग, सोशल गैदरिंग्स और जो फीस वगैरह होते हैं तब आपको ये मिलेगा। बारी कब है? रिलीजियस हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब हिस्ट्री की बात होती तो बारी सॉन्ग है, और जब सोशल गैदरिंग वेडिंग की बात होती तो जाजिंजा है। और मैरिज सेरेमनी से रिलेटेड अगर बात है तो मैरिज सेरेमनी के लिए है नियोगा, ठीक है। यही है ना? यस और नो? हाँ जी सर, कंफर्म करिए, यही म्यूजिक है।
तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी। इसके बाद अब हम जो पढ़ेंगे दैट इज अ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो क्या है सर, फेस्टिवल्स। ठीक है, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? पहली बार सुना है मार्शल जी, नांग जी कह रहे हैं तो ऐसे ही है, तो चलिए सर ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो ये तीन म्यूजिक है, इनके नाम ध्यान रखिएगा। तो कब ये, इनका पर्पस क्या है, मतलब किस इवेंट के लिए है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे वेडिंग, सोशल गैदरिंग्स के लिए जाजिंजा है, मैरिज सेरेमनी के लिए नियोगा है, और आपका रिलीजियस हिस्ट्री वगैरह जब नैरेट की जाती है तो बरही है। तो ये कुछ ट्रेडिशनल म्यूजिक हैं अरुणाचल प्रदेश के। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द फेस्टिवल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे सर, द फेस्टिवल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हाँ जी, वैसे तो ये ऑब्वियसली बात है, हर टाइप का अपने कल्चर है, अपना एक सॉन्ग है, अपना एक ट्रेडिशन है, बट जो जनरली मेरे को बुक्स में मिले वो मैंने ये तीन आपके यहाँ पर मेंशन कर दिए। ठीक है, सिंगल ट्राइब। ट्राइब्स तो यहाँ पर मैं नहीं कह सकता हूँ कि स्पेसिफिकली किस ट्राइब का है, हाँ लेकिन ये है कि हाँ आपके जो वहाँ पर जनरली जो बुक्स में मिलते हैं वो ये मिले मुझे। ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी फेस्टिवल्स पढ़ लो, फेस्टिवल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग फोकस करो। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे सोलुंग फेस्टिवल की। सोलुंग फेस्टिवल एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। देखो ट्राइबल एरियाज में आप जनरली देखोगे एग्रीकल्चर के टाइम पे ही ज्यादा फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सोलुंग फेस्टिवल है ये कौन सी ट्राइब का है, आदि ट्राइब का है। अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर, टाइम हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, ठीक है टाइम में हो सकता है कुछ मैनिपुलेशन हो, और टाइम इतना वो पूछता भी नहीं है। मेन क्या याद रखना है, फेस्टिवल का नाम और ये किस ट्राइब का फेस्टिवल है। ठीक है, फेस्टिवल का नाम और ये किस टाइप का फेस्टिवल है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, तो सोलुंग फेस्टिवल इज ऑफ द आदि ट्राइब। नेक्स्ट आते हैं मोपिन। मोपिन तो अभी काफी, अभी कुछ टाइम पहले ही गुजर के गया है, मोपिन फेस्टिवल आपका अप्रैल में ही था। ठीक है, तो जो गालो आदि ट्राइब है, गालो ट्राइब, उनका ये फेस्टिवल है मोपिन फेस्टिवल। गालो ट्राइब में मेनली आपको ये फेस्टिवल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल से इतना आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये जो फेस्टिवल्स हैं मेरे ख्याल से, जैसे सोलुंग हुआ, ओपिन हुआ, ये मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा दिक्कत होगी ज्यादा याद करने में, तो इसीलिए इसको जल्दी से जल्दी पढ़ते हुए निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज योर लोसार फेस्टिवल। लोसार फेस्टिवल सर कौन सी ट्राइब का है, मोनपा ट्राइब का है। ठीक है, कौन सी ट्राइब का है, मोनपा ट्राइब का है। तो ये किसके बेसिस पे होता है, लूनार कैलेंडर के बेसिस पे। ठीक है, लूनार कैलेंडर के बेसिस पे लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। ये काफी पुराना सेलिब्रेट किया माना जाता है, अराउंड सिंस 500 BC ये फेस्टिवल आपका चल रहा है। नेक्स्ट इज योर बूरी बूथ फेस्टिवल। बूरी बूथ फेस्टिवल किसका है, निशी ट्राइब का है। ये स्प्रिंग को वेलकम करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, बूरी बूथ फेस्टिवल कौन से ट्राइब का है, निशी ट्राइब का है। ऑल राइट सर, नेक्स्ट आते हैं ब्री फेस्टिवल। ब्री फेस्टिवल कौन सी ट्राइब का है, आपातानी ट्राइब का है, और सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स और प्रेयर्स इसमें की जाती हैं। जुलाई में ये सेलिब्रेट होता है, मतलब ये होने ही वाला है, और जीरो डिस्ट्रिक्ट्स में आप इसका जो इफेक्ट है वो देख सकते हैं। हाँ मैंने भी इसके बारे में, ब्री फेस्टिवल के बारे में सुना है, जीरो में काफी फिर वो बढ़िया माहौल होता है। ठीक है, चलो जी, हाँ जी, निशी ट्राइब वाले बताइए, निशी का मेन फेस्टिवल क्या है, निशी ट्राइब का मेन फेस्टिवल। हाँ न्यूकुम भी है, न्यूकुम काफी धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। नेची दाओ फेस्टिवल, नेची दाओ कौन सी ट्राइब का है, ट्राइब ऑफ आका, नवंबर महीने में देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट इज चालो लोकू फेस्टिवल। चालो लोकू फेस्टिवल कौन से ट्राइब का है? नोक्ते ट्राइब, ठीक है, चालो लोकू फेस्टिवल अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट इज और लॉन्गटी युलो फेस्टिवल। लॉन्गटी युलो ये किस ट्राइब का है? निशी ट्राइब का फेस्टिवल है। यू विल फाइंड इट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है सर। उरिया फेस्टिवल, उरिया फेस्टिवल वांचो ट्राइब का, ठीक है, बाय द ट्राइब ऑफ वांचो। ये कहाँ मिलते हैं आपको? जनरली हैबिटेशन है लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट आते हैं। देखो अगर आप एक अरुणाचल में भी जाओगे तो अरुणाचल में भी काफी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। ईस्टर्न अरुणाचल, वेस्टर्न अरुणाचल, नदन सदन, तो वहां पे भी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जैसे रे इदू फेस्टिवल है, ये कौन सी ट्राइब का है? इदू ट्राइब का, फेब्रुअरी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सांकेन फेस्टिवल। सांकेन फेस्टिवल जो आपकी खामती ट्राइब है या सिंगपो ट्राइब है वो सेलिब्रेट करते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सांकेन फेस्टिवल इट इज अ रिलीजियस फेस्टिवल। नेक्स्ट इज योर सीदोनी फेस्टिवल। सीदोनी फेस्टिवल किसका है सर? तागिन ट्राइब का है, सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। बहुत फास्ट हो रहा है क्या? देखो मैं इसलिए थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूँ क्योंकि इसमें बस मेरे को बताना है और ये लगभग आपको पता ही होते हैं कि कौन सी ट्राइब का कौन सा फेस्टिवल है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूँ। लेकिन अगर आपको फास्ट लग रहा है तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है। चलो जी ये सीदोनी फेस्टिवल कौन सी ट्राइब का है? तागिन ट्राइब का है। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर, नई ईयर की शुरुआत सेलिब्रेट करने के लिए ये सीदोनी फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट इज योर न्यूकुम यूलो फेस्टिवल, ठीक है। न्यूकुम यूलो फेस्टिवल निशी ट्राइब का है। द ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल न्यूकुम इज मेनली सेलिब्रेटेड बाय द निशी ट्राइब ऑन 26th ऑफ फेब्रुअरी। न्यूकुम दो वर्ड से मिलके बना है, न्योक और कुम। न्योक मतलब लैंड और अर्थ, क्यों को मतलब एक साथ, मतलब पूरी दुनिया को एक साथ करना, मतलब काइंड ऑफ जैसे इंडिया में, जैसे भारत की जो एक सभ्यता है, एक कल्चर है हमारा वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। यानी हम पूरी दुनिया को एक ही मानते, बी द होल फैमिली, बी द होल वर्ल्ड इज अ सिंगल फैमिली, ऐसा हम मानते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी आपका हाईलाइट होती है इन न्यूकुम। न्यूकुम मीन्स लैंड और कलेक्टिव, यानी कई लोग भी एक टुगेदरनेस का, एक हार्मोनी का ये फेस्टिवल है, ठीक है। न्यूकुम यूलो निशी टाइप। नेक्स्ट तामलाडू फेस्टिवल, कोई पूछ भी रहा था तामलाडू फेस्टिवल, ये लीजिए ये आ गया तामलाडू फेस्टिवल। तागा जी बिल्कुल, ये तो अब आप ऑफिसर वगैरह बन जाओ फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो जी तामलाडू फेस्टिवल कौन सी ट्राइब का है? दिगारू या तारुंग मिशमीश ट्राइब, ठीक है। 15 फरवरी को सेलिब्रेट होता है, लोहित डिस्ट्रिक्ट में आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फेस्टिवल्स थे, ठीक है, इन अरुणाचल प्रदेश। चलो जी तो ये सब याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ऑलराइट सर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके तो अभी मैं आपसे, अब मेरे को एक बार ये बताओ करंट गवर्नर कौन है अरुणाचल के? अरुणाचल के करंट गवर्नर का नाम? हाँ जी अरुणाचल के करंट गवर्नर बिल्कुल बीडी मिश्रा। चलो जी अब मेरे को आप बताओ सैडल वाटरफॉल कहाँ पड़ा था? सैडल वाटरफॉल
लास्ट क्लास में पढ़ के आए थे, याद है किसी को कहाँ पढ़ा था? सैडल वाटरफॉल। सैडल वाटरफॉल आपको मिलेगा वेस्ट कामेंग में, ठीक है? कहाँ मिलेगा? वेस्ट कामेंग में। ओके सर, अब मेरे को आप बताओ, एक पढ़ा था अगर इफ यू कुड रिमेम्बर, काने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पढ़ी थी? कान्हे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पढ़ी थी? बिल्कुल ये पढ़ी थी आपने वेस्ट सियांग में, ठीक है? कहाँ पढ़ी थी? वेस्ट सियांग में। अच्छा अब मेरे को बताओ, पत्ता सदांग वाटरफॉल ये कहाँ पढ़ी थी? पत्ता सदांग वाटरफॉल ये सर आपने कहाँ पढ़ के आए? हाँ जी सर, पत्ता सदांग वाटरफॉल। ये सब पढ़ चुके हैं हम तो। बिल्कुल ये आपको ईस्ट कामेंग में मिलेगी, ठीक है? ये वाटरफॉल कहाँ थी? ईस्ट कामेंग में थी। ओके, एक याद है, एक ग्लो लेक पढ़ा होगा आपने, ग्लो लेक। ग्लो लेक कहाँ पर पड़ा था? किस डिस्ट्रिक्ट में था ग्लो लेक? हाँ जी सर, ग्लो लेक का आंसर दीजिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ा था? बिल्कुल सर, ग्लो लेक अपन ने पढ़ा था इन द डिस्ट्रिक्ट ग्लो। चलिए बढ़िया, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि है भाई, ऐसे ही सर बस निकला जा रहा ऊपर से। हाँ जी सर, याद हो रहा है? अच्छा आप तो गए थे। ऑल राइट सर, ठीक है तो आगे पढ़ते हैं। ये देखो एक पूरी लिस्ट है, अब मैं यहाँ पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ ये वाला, चलो 70 भी हो रहा तो काफी है। ये पूरी एक लिस्ट है आपकी, जो गवर्नर्स रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के टिल डेट, ठीक है? कुछ खास बातें याद रखो, जैसे पहले गवर्नर कौन थे? तो 20 फरवरी को फुल स्टेटहुड बना अरुणाचल का, तो पहले जो गवर्नर थे अरुणाचल के श्री बीएन सिंह थे, ठीक है? श्री बीएन सिंह, भीष्म नारायण सिंह, ठीक है? पहले गवर्नर थे। लेटेस्ट गवर्नर जो है ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, वो कब से गवर्नर बने हुए हैं, ठीक है? जो ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा है वो कब से अरुणाचल के गवर्नर बने हुए हैं? तो वो सर गवर्नर बने हुए हैं फ्रॉम 2017 टिल प्रेजेंट, ठीक है? तो
ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 3 अक्टूबर से बने हुए हैं अभी के प्रेजेंट गवर्नर। अब हो सकता है जल्दी चेंज हो जाए क्योंकि 3 अक्टूबर 2017 के बने हैं, तो 2022 5 साल उनके हो जाएंगे इस अक्टूबर में। और जनरली गवर्नर का टेन्योर 5 ईयर्स का ही होता है, ठीक है, जनरली 5 ईयर्स का ही होता है। इनसे पहले वाले थे उनका 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हो पाया था, उससे पहले वाले थे उनका करीब 1 ईयर ही कंप्लीट हुआ था, ठीक है, उनका भी नहीं 1 ईयर कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो जनरली देख सकते हो आप बहुत लंबे टेन्योर के लिए नहीं रहे हैं, तो 7 से 8, 4 से 7, तो मेरे ख्याल से अभी तक का जो सबसे लंबा टेन्योर है वो आपका, या तो इनका आप काउंट कर सकते हो श्री माता प्रसाद, ठीक है, इनका कंपेयर कर लेना श्री माता प्रसाद का, और इसके बाद ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा साहब का, ठीक है, अभी तक का। तो ये थोड़ा सा याद कर लेना कि लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका बैठता है, ठीक है। इनका आप देख सकते हो अक्टूबर से 1998 अक्टूबर ले लो, फिर अक्टूबर से मई, तो ये आपका हो जाता है 2, 5, 7, तो यानी ये 5 5 ईयर 7 मंथ्स के लिए गवर्नर रहे थे श्री माता प्रसाद। और बी डी मिश्रा जी जो है वो 2017 से 2022, तो अभी तो इनको 5 साल भी पूरे नहीं हुए, ठीक है, 5 साल भी पूरे नहीं हुए, इन्हें मोर देन 5 ईयर्स हो गए थे। तो लॉन्गेस्ट टेन्योर के जो गवर्नर हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो लॉन्गेस्ट टेन्योर के आपके गवर्नर हैं, हाँ अभी उनका रिसेंटली डेथ हुआ था, हाँ जेपी राजकोवा जी बहुत फेमस हैं, बिल्कुल सही बात है। तो जो लॉन्गेस्ट टेन्योर के आपके गवर्नर हैं वो कौन है, श्री माता प्रसाद, ठीक है, ये न्यूज में बने रहते हैं, ठीक है, इस मतलब न्यूज में इन द सेंस ये क्वेश्चन बन सकते हैं और बने भी हैं। ये पहले गवर्नर, रिसेंट गवर्नर, लॉन्गेस्ट टेन्योर वाले गवर्नर, अभी जो प्रेजेंट गवर्नर हैं वो कब से अपॉइंटेड हैं, तो टिल 3 अक्टूबर 2017 वो अपॉइंटेड है, ठीक है। तो ये गवर्नर से रिलेटेड कुछ बातें, अब ये मत करना कि मतलब सारे गवर्नर्स की लिस्ट याद करने बैठ जाओ, उसकी जरूरत नहीं है। चलो जी, अब गवर्नर्स की बात करेंगे तो सर चीफ मिनिस्टर्स की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है, तो चीफ मिनिस्टर्स की भी बात कर लेते। तो आपका 1975 में, आपको याद हो हमने बात करा था कि पहली काउंसिल बन गई थी, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली 1975 में बन गई थी। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब आपके चीफ मिनिस्टर बन गए थे। चीफ मिनिस्टर कौन थे सर, प्रेम खांडू थुंगन, ठीक है, तो पीके थुंगन साहब बने थे पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल। ये क्वेश्चन तो भर भर के पूछा जाता है और ये मुझे लगता है सबको ही पता होगा कि अरुणाचल के सर पहले फर्स्ट एलजी, पहली बात तो अरुणाचल में, अच्छा उस टाइम एलजी हुआ करते थे। एलजी की लिस्ट मैं ढूंढ के बता दूंगा, अभी तो मेरे पास नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें आप भी आप लोग तो भी थोड़ा सा सर्च करके ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रेम खांडू थुंगन है वो रहे आपके पहले चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो अभी करंट में कौन है, पेमा खांडू जी कब से हैं, टिल डिसम्बर 13 2016, वो अभी आपके प्राइम चीफ मिनिस्टर बने हुए। चलिए सर, नेक्स्ट आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी जो प्रेजेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये भी क्वेश्चन बनता रहता है कि अभी प्रेजेंट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किस किस पोस्ट पर हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपके जो चाउंगा मेन है, वांकी लुआंग है, होनचुन गांदम है, कामलुंग है, आलो लिबांग है, बामारंग है, ये किस किस पोजिशन पे। सबसे फेमस, सबसे इंपॉर्टेंट श्री चाउंगा मेन, वो फाइनेंस संभालते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से मिनिस्टर किस प्रोफाइल को संभालते हैं ये जरूर पढ़ के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, सेवन सिस्टर्स के निकनेम, जैसे अरुणाचल की बात कर लो तो हम अरुणाचल को क्या कहते हैं, द लैंड ऑफ डॉनलेक माउंटेन्स। इसी तरह से आसाम को क्या कहते हैं, द लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स, ठीक है, क्या कहते हैं, द लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। मिजोरम की बात कर लो, द लैंड ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस। मणिपुर ज्वेल ऑफ इंडिया। मेघालय को, ये बहुत फेमस है, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूज में क्वेश्चन में देखा गया, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट किसे कहते हैं सर, मेघालय को कहते हैं। स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट किसे कहते हैं, नागालैंड को कहते हैं, ठीक है, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट मेघालय, स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट नागालैंड, एंड कॉल ऑफ वर्डेंट वैली इज त्रिपुरा। तो ये कुछ निकनेम्स हैं, ये याद करने हैं। याद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे सर, हाँ जी सर, अगर हो जाएंगे तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, एक बार मेरे को कंफर्म करिए। हाँ जी सर, अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हैं, याद हो रही हैं, तो गिव मी अ थम्स अप।
ऑल राइट सर, इसी के साथ साथ आप मेरे को बताओगे सैली लेक कहाँ पर है? सैली लेक विजिट किया है इसको? सैली लेक, सेला नहीं पूछा है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है? सेला नहीं पूछा है, क्या पूछा है? सैली लेक पूछा है। बहुत बढ़िया, सैली लेक का है सर, लोअर दिबांग वैली, कहाँ पर है? लोअर दिबांग वैली। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, कुछ बुक्स एंड ऑथर्स हैं, ये भी एक बार आप देख के चले आना, ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है? जो ऑथर हैं उनकी फेमस फेमस बुक्स, जैसे टीटी तारा, निशी वर्ड है ना, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द आदिज, किसने लिखी? टी न्यूरा ने लिखी है। मैरिज इन ट्राइबल सोसाइटीज, तामो मिबांग ने लिखी है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एन एन लिगो ने लिखी है, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश द हिडन लैंड, द ब्लैक हिल्स एंड मेनी अदर्स, पमंग दाई ने लिखी है। ज्योग्राफी अरुणाचल प्रदेश, लिजुम रोनिया ने लिखी है, ठीक है? तो ये कुछ वहाँ के जो अरुणाचल के ऑथर्स हैं उनकी कुछ फेमस बुक्स हैं उनके नाम है, ठीक है? तो ये एक बार आप जरूर पढ़ लीजिए। चलो जी, इसके अलावा फिर ये सेंसस की बात है। सेंसस में देखो अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन 2011 में जो निकल के आई थी वो थी 13.84, और 2001 में थी 10 लाख, ठीक है? तो 3 लाख का इंक्रीमेंट हुआ था। मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ परसेंटेज, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्स रेशियो याद रखना, 2011 में अरुणाचल का कितना था? तो सेक्स रेशियो था 938, ठीक है? चाइल्ड सेक्स रेशियो भी याद मत रखो, बस आप सेक्स रेशियो याद रखो 938, मतलब हर 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स थी? 938, मतलब अरुणाचल में अगर 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स हैं? 938 फीमेल्स। तो ये होता है सेक्स रेशियो, ठीक है? पर 1000 मेल्स कितनी फीमेल्स हैं? 938 फीमेल्स हैं। अब तो ये बढ़ गया होगा काफी हद तक, ऑब्वियसली बात है। एरिया अभी हमने देखा था 83,000 किलोमीटर करीब था, ठीक है? माइल स्क्वायर है, इसको छोड़ दो, ठीक है? उसके बाद लिटरेसी की बात करो, कुछ 65% लिटरेसी अरुणाचल की, और उसमें भी अगर डिवाइड कर दो तो मेल लिटरेसी ज्यादा है, ठीक है? मेल लिटरेसी आपकी ज्यादा है, कितनी है? 72.55, और फीमेल लिटरेसी 57.7%। देखो मेल लिटरेसी फीमेल लिटरेसी में डिफरेंस था, लेकिन गैप कितना कम हुआ वो जरूरी है। ऑब्वियसली बात है 2001 से 11 में लिटरेसी बढ़ेगी, और वो बढ़ी, फीमेल में भी बढ़ी, दोनों में बढ़ी, लेकिन पहले डिफरेंस कितना था इनके बीच में देखोगे तो 20% था, ठीक है? 2001 में 20% का डिफरेंस था इनकी लिटरेसी में, अब इनमें डिफरेंस देखो कितना बचा, इनमें बचा 15%। अगला जो सेंसस आएगा डेफिनेटली उसमें या तो गायब ही हो जाएगा या इससे और कम होगा। मोटर बस जी आज आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? आज रात तक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगला जो आपका कैंप जो सेंसस आएगा इसमें ये गैप और कम हो जाएगा। तो ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, क्योंकि यहाँ पर आपका लिटरेसी रेट दोनों का तो बढ़ ही रहा है, प्लस जो गैप है गैप भी बहुत तेजी से कम हो, ठीक है? 20% था गैप, अब वो कितना रह गया था? 15%, डेफिनेटली और कम हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद रिलीजियस डेटा की बात करें तो मेजोरिटी पॉपुलेशन अरुणाचल में किसकी है? क्रिश्चियंस की है, ठीक है? सेकंड मेजोरिटी हिंदूज की है, बाकी फिर थर्ड पे अदर रिलीजियंस आ जाते हैं, ठीक है? तो मेजोरिटी किसकी है? क्रिश्चियंस की है एज पर द सेंसस 2011। बाकी अब देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन आप कंसिडर कर लो, तो यहाँ पर पूरी लिस्ट है हर एक डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन, वहां पर सेक्स रेशियो कितना है, वहां पर लिटरेसी कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी, सब यहाँ पर मेंशन है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर आप देखोगे, ये जो आपका डेटा अरेंज है ना, ये जो आपका डेटा अरेंज है ये किसके अकॉर्डिंग अरेंज है? ये अरेंज है सर आपका एज पर द पॉपुलेशन, ठीक है सर? ये किसके अकॉर्डिंग अरेंज है? ये अरेंज है एज पर द पॉपुलेशन। फीमेल लिटरेसी रेट ऑब्वियसली अगला जो सेंसस आएगा उसमें आपको हो सकता है बराबर भी दिख जाए, ज्यादा भी दिख सकता है, ठीक है? तो क्योंकि इन रिसेंट ईयर्स में काफी तेजी से इसमें
मतलब डेवलपमेंट हुआ है, तेजी पड़ी है। चलो जी, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पापुम-पारे। सबसे कम दिबांग वैली था जब आपका ये सेंसस निकल के आया था। फिर आप लोग कह रहे थे ना सर सबसे ज्यादा लिटरेसी कहाँ है, सबसे कम लिटरेसी कहाँ है। देखो अब ये तो कैपिटल सिटी है तो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा लिटरेसी मिलेगी, 79.95% है लिटरेसी। ठीक है, अब सबसे कम अगर आपको देखनी है तो इन्हीं में से देख लो, 59.80, इससे कम आपको दिख रही? बिल्कुल 48.75% दिख रही है। 48.75% से कम कहीं लिटरेसी है? नहीं दिख रही है। तो एज पर सेंसस 2011 48.5% 75% लिटरेसी जो थी वो सबसे कम थी किस डिस्ट्रिक्ट के? कुरुंकामी की। अब आप कहोगे सर टोटल 25 डिस्ट्रिक्ट है आज, इसमें तो 16 ही दिख रहे हैं। तो भैया ये 2011 की कहानी है, 2011 से 2022 में कई नई डिस्ट्रिक्ट भी तो क्रिएट हुए हैं। तो जब 2011 में सेंसस हुआ था तो यही 16 डिस्ट्रिक्ट थी। ठीक है, तो इन्हीं के हिसाब से चीजें चलती थी। ठीक है, एशियान का भी देखो लिटरेसी रेट अच्छा था, सेकंड मोस्ट लिटरेसी, अच्छा परफेक्ट लिटरेसी रेट पापुम-पारे के बाद अगर किसका था तो किसका था? एशियान का। चलो जी, अब इसके बाद हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब अगर आप इसको कंपेयर करो 2001 से 2011 पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी ज्यादा रही, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा किसकी रही? कुरुंकामी की रही। अब देखो इसी को कंपेयर कर लो लिटरेसी रेट से, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किसका था? कुरुंकामी का। सबसे कम लिटरेसी रेट किसका था? कुरुंकामी का था। इसीलिए पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज्यादा किसकी दिखी? कुरुंकामी की दिखी। तो इसीलिए कहते हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आपका क्या कहते हैं, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है डायरेक्ट रिलेटेड है आपका लिटरेसी से, मेडिकल कंडीशन से। ठीक है, लिटरेसी जितनी बढ़ती है पॉपुलेशन ग्रोथ उतनी ही कम हो जाती है। तो कुरुंकामी का चूंकि लिटरेसी रेट बहुत कम था इसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा रहा। आपका पापुम-पारे को उठा लो, पापुम-पारे का लिटरेसी रेट अच्छा था, तो आप देख लो ग्रोथ रेट काफी कम है कंपेरेटिवली, है ना? तो ये डिफरेंस आ जाता है। ये यही फैक्ट से फिर चीजें पॉलिसी बनती हैं, आइडिया लगते हैं। तो सबसे ज्यादा लिटरेसी वाले डिस्ट्रिक्ट कौन से हुए? आपका पापुम-पारे, लोअर सुबानसिरी, ईस्ट सियांग। चलिए इसके बाद अगर ये लास्ट स्लाइड है, ये कंपेयर कर रही है आपका हर एक जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन को, है ना, उनमें जो नंबर ऑफ मेल्स फीमेल्स तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सेक्स रेशियो क्या है, किस स्टेट का कितना, किस स्टेट की कितनी लिटरेसी है, किस स्टेट का कितना एरिया है, कितनी डेंसिटी, डेंसिटी भी हटा दो, मेन इसमें आपको क्या क्या देखना है, हर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का पॉपुलेशन कंपेयर करना है, सेक्स रेशियो कंपेयर करना है, लिटरेसी कंपेयर करना है और एरिया कंपेयर करना है। डेंसिटी हटा दो, फीमेल्स मेल्स ये हटा दो। तो अगर आप कंपेयर करो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो सबसे ज्यादा एरिया किस अगर किसी स्टेट का है तो वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे ज्यादा आपका जो एरिया है कौन सा स्टेट का है? अरुणाचल प्रदेश का है। लेकिन डेंसिटी देखो सबसे कम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है। और पॉपुलेशन के मामले में अगर सबसे ज्यादा किसी के पॉपुलेशन है ऑब्वियसली आसाम की होगी, 3 करोड़, बाकी किसी भी स्टेट की करोड़ में नहीं है पॉपुलेशन, 36 लाख, 6 लाख। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आसाम की है और सबसे कम पॉपुलेशन आपकी सिक्किम की है, तो सिर्फ 6 लाख। सेक्स रेशियो की बात करो तो वो सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेगा? वो है आपका 992, मणिपुर में था। ठीक है, एज पर सेंसस 2011 ये सारे डेटा आपके अरेंज है। लिटरेसी की बात करोगे तो सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट आपका मिजोरम, देख रहे हो 91.33% लिटरेसी रेट है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अरुणाचल का सबसे कम लिटरेसी रेट है, ठीक है, बट मिजोरम का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। तो लिटरेसी में कौन सा स्टेट टॉप पर है, कौन सा लिस्ट पर है, ये आप लिस्ट बना लेना, स्लाइड आपको मिल जाएगी। ठीक है, लिटरेसी कंपेयर कर लेना, पॉपुलेशन कंपेयर कर लेना, सेक्स रेशियो कंपेयर कर लेना, एरिया कंपेयर कर लेना। ठीक है सर, एरिया सबसे कम किस स्टेट का है? बिल्कुल सिक्किम का सबसे कम है, पॉपुलेशन भी सबसे कम सिक्किम की है और एरिया भी सबसे कम किसका है सर? सिक्किम का। और मेरे ख्याल से हाँ सेक्स रेशियो भी सबसे कम कहाँ का है? सिक्किम का। तो लीस्ट तो ज्यादातर चीजें कहाँ है? सिक्किम। चलिए तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अरुणाचल जीके से रिलेटेड चीजें। इसमें अगर देखो और भी कुछ मुझे फैक्ट्स मिलते जाएंगे तो वो भी इसमें एड ऑन होते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये कुछ ये ओपन एंडेड देखो बुक है, ठीक
ठीक है, ओपन एंडेड पीडीएफ है। इसमें जैसे जैसे चीजें ऐड होती जाएंगी वैसे वैसे आपको मिलती चली जाएगी, ठीक है। चलो जी, तो यहां तक करें, अरुणाचल जी के अभी कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ जी सर, कुछ चीजें सीख के जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अगर सीख रहे हैं तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब देखो एग्जाम बिल्कुल सर पे है, आज कितना वेंसडे है, अब आपके पास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रह गया। सैटरडे को बस थोड़ा सा चिल करना, चिल वो वाला चिल नहीं, मतलब बस शांति से घर पे बैठना। और थर्सडे फ्राइडे ये दिन, 2 दिन आपके बचे हैं, इन 2 दिन में जितना हो सके रिवीजन ही करो अब आप, ठीक है। कुछ नया मत करना, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ चुका बहुत है, अब बस उसको रिवाइज करो, ठीक है सर। चलिए जी, तो फिर इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में फिर बाकी सब्जेक्ट का भी रिवीजन करेंगे, बाकी जीके में भी बहुत सब्जेक्ट है, जैसे मॉर्निंग में पॉलिटी का करा था, तो इसी तरह से बहुत अभी सब्जेक्ट लगे हुए हैं, उनका हम धीरे धीरे जितना पॉसिबल होगा रिवीजन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।